केजरीवाल की बात मत करो यार, वो राजनीति का प्रदूषण है। राजनीति में वो प्रदूषण है। स्वयं अपनी माँ का रक्षा नहीं कर सकता, जहाँ रहता है वहाँ रक्षा नहीं कर सकता, वो देश की क्या रक्षा करेगा आप बताएं। केजरीवाल का बात सोचना ही व्यर्थ है, व्यर्थ है। और क्या है, हम गेहूँ पैदा करेंगे और तू फ्री में देगा? कैसे देगा फ्री में? कैसे फ्री में देगा? दारू बंद हो जाए देश चल जाएगा, शहर बंद हो गया देश चल जाएगा, किसान बंद हो जाएगा, ये शहर एक दिन में रुक जाएगा। अच्छा, किसान गेहूं पैदा करेगा, दूध लगाएगा, बच्चों की तरह भैंसों को पालना पड़ता है गायों को, और तू दूध फ्री में देगा? भारत माता की। कैसे देगा फ्री में? कहां से पैसा लाएगा बताओ ना हमको, तुम ये यहां से पैसा लाओगे? वो तो बोले बिजली 300 फ्री है। बिजली आएगी ही नहीं, फ्री दे देंगे। कैसे आएगी? कोलसा पूरे देश में नहीं है, कहां से फ्री देंगे, कैसे देंगे फ्री बताओ? वो बोले दिल्ली में दे रहा हूँ, यहाँ भी दे दूंगा मैं। दिए हैं अपने आप लोग, क्योंकि दिल्ली वाले खुद ही मर रहे हैं यार। जब वो छठ पूजा के लिए 50,000 दंड लगा दिया, बताओ तुम दिल्ली यमुना किस बेजिस पर आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं? मेरा मगज खराब है, मत करो। हाँ, केजरीवाल की बात ही करना, सोचना, अगर उसका मुंह देख लो दिल में पानी नहीं मिलेगा। उसका मुंह ही देखो राक्षस जैसा है। भारत माता की। हमारा नाम रविंद्र मिश्रा है भैया। रविंद्र मिश्रा जी, आप तो चाय पी रहे हैं, अब गुजरात का चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भैया चाहे जितनी भ्रष्टाचारी हो, 10-20 पुल टूट जाए, आएगी तो भाजप थी। अच्छा। हाँ, केजरीवाल तो वो तो क्या है कि दिल्ली को मारने के चक्कर में है, प्रदूषण इतना है सब आदमी खुद ही मर जाएंगे वहाँ, और वो बोलता चार धाम की यात्रा पर, तो आप अगर 3 महीने यमुना में नहा ले देंगे आप मर जाएंगे, चार धाम खुद चले जाएंगे। और 7 बरस हो गए, आप कितना बरस चाहिए? 7 बरस में तो आधा उम्र खत्म हो गई लोगों की, और केजरीवाल बन गए, अब उसकी गाल निकल गई, बॉडी निकल गई, अब वो तो बन गया, आगे तो जनता को उल्लू बनाने वाला काम है। अब भाजपा में कुछ भी किया उसने, कांग्रेस की परंपराओं को जीवित रखा है, कहीं भी हो गुटखा मिल रहा, पान मिल रहा, मसाला मिल रहा, दारू मिल रहा, ड्रग्स मिल रहा है, हर चीज परंपराओं को बना रखा है। मैं ये दावा से बोल रहा हूँ, और जहाँ आप हमको बोलेंगे वहाँ हम बोल देंगे। यहाँ ले लो, गांधीनगर ले, दिल्ली लो, कलकत्ता में मिल जाएगा, कहीं भी लो। केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार गुजरात में हम आ रहे हैं। अरे उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या ला देगा? हम गेहूँ पैदा करेंगे वो फ्री में देगा? उसकी मजाल है? वो कभी हल चलाया जिंदगी में? एक दिन हमारे साथ चला के देखे ले जाओ, उसको बता दूं कैसा हाल चला रहा है। बकरी चलाने गए तो वो तुम बात मत बोलो अभी। वो तो कह रहे जनता का लाडला हूं। अरे लाडला किसका लाडला है? आप खुद विचार करो, आप यंग आदमी, हमसे यंग है, जहाँ हर सीमा को भाव पार कर गया प्रदूषण, अब कब व्यवस्था करोगे? जब पूरी जनता मर जाएगी तब? 7 बरस हो गया तुमको, अभी तक व्यवस्था नहीं की, अभी प्लान बना रहे तुम, तो प्लान कराने में बनाने में तो आधी जनता गई, और तू कह रहे बेकारी दूर करेंगे? अरे वो जनता पूरी मर जाएगी तो बेकारी दूर ही हो जाएगी ना। वो तो कह रहे दुनिया भर में दिल्ली मॉडल फेमस है। अरे भाई वो दुनिया भर में खालिस्तान के वो समर्थक है केजरीवाल, सब जनता कह रहा, पूरा देश कह रहा है, वो बात सही है। अभी कल खाने के लिए डरता था, अब आज गाड़ी तो कैसे घूम रहे हो? अच्छा, सही है गलत है आप खुद विचार करिए, मीडिया विचार करे, जनता विचार करे। अभी तो एक दिन में BSc आदमी पास है, उसको 500 रुपया नहीं मिल रहा है। कोऑपरेटर होगा वो बोले कल दारू बेचता तो कुछ भी हो उसको पेंशन मिल जाएगा। बट अमुख राजनीति में ऐसी गलतियां हैं, आप लोगों को मीडिया को नहीं समझ में आ रहा है कि 10 करोड़ रुपये का दारू पकड़ा गया गुजरात में। इतनी व्यवस्था है, वो DIG PIG CIG सब लगे हुए है, क्या व्यवस्था कर रहे भाई? अब गुजरात में राहुल गांधी भी है, वो ये कह रहे हैं बहुमत से हम आ रहे हैं इस बार, वो कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आएंगे कहां से? वो आएंगे ही नहीं, वो जीतेंगे भी नहीं और हार मानेंगे भी नहीं। अच्छा। हाँ, वो कांग्रेस से ही लड़ेंगे, और चाहे कांग्रेस हार जाए। और कांग्रेस में क्या है कि देखो, जैसे इसमें आगवाणी और अटल बिहारी भूखे पेट काम किए, तो जो ईमानदारों की जनसंख्या है तब तक ये चल रही है, अब बाकी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप देख रहे कौन सी यहाँ क्या कमी है, किस भ्रष्टाचारी में कमी है? अहमदाबाद में, अमराई वाली में कितने आदमी पेपर में आ रहा है, 183 आदमी पकड़े गए, जब सब चोखा है तो 83 आदमी 183 कहाँ से आ गए?
अब ये बताइए, बाकी जो पार्टियां हैं वो प्रधानमंत्री को कह रही हैं कि उनको गालियां दे रही हैं, कोई कह रही है आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल इटाले वो कह रहे हैं नीच हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि औकात दिखा, प्रधानमंत्री नीच नहीं है, अब नीच उसमें आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नीच नहीं है। अब नीच जैसे कांग्रेस में पहले एक से एक नेता थे, भूखे पेट कर रखे काम किया है, तो उसमें जब नीचों की जनसंख्या अधिक हो गई तो कांग्रेस चली गई। अच्छा। जैसी आराम हो गई वही सब भाजपा का भी यही हाल होगा। अब आ रहे हैं है? बताओ 20 रुपये गेहूं देने की शक्ति नहीं है और इतना झंडा फहरा रहे हो, क्यों फहरा रहे? जनता बेकूफ है। अब 90% लोग पढ़े लिखे हैं पब्लिक में, ये तो कांग्रेस की ही देन है ना। क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है? आम आदमी पार्टी बोल रही है हम गुजरात में बहुमत से आ रहे हैं। बहुमत से तो ये बहुमत 182 सीट में कैसे आ जाएंगे? बहुमत पूरी सीट पर आ जाएगी भाजपा? नहीं आएगी, हम कहते हैं नहीं आएगी। और केजरीवाल? केजरीवाल की बात मत करो यार, वो राजनीति का प्रदूषण है। राजनीति में वो प्रदूषण है, स्वयं अपनी माँ का रक्षा नहीं कर सकता, जहाँ रहता है वहाँ रक्षा नहीं कर सकता, वो देश की क्या रक्षा करेगा आप बताए? वो तो कह रहे हैं मैं पंजाब भी जीत गया, कहने के तो हम जीत रहे हैं पाकिस्तान लाहौर तक हम झंडा गाड़ने जा रहे हैं। बोलो तो इससे थोड़ी हो जाएगा। कितनी सीटें आएंगी उनके यहाँ? यहाँ उनकी बात मगज में लाना मगज खराब करना है, उसकी बात हर चीज बोकल में तू कैसे दे सकता है भाई? हम कहते पेट्रोल फ्री में करो, मेन चीज हर सेकेंड में 20 गाड़ी लग जा रही है, और वहाँ जो है रोज एक्सीडेंट हो रहा है दिल्ली में रोज पर डे, वो तो तुम सुधार नहीं सके यार। तू दिल्ली और कलकत्ता में जाओगे मर जाओगे गटर में, आधे रास्ते में। दिल्ली में स्वास्थ्य फ्री है, सबका सबका इलाज हो रहा है, स्कूल बहुत चला है, मर्ज भी फ्री है ना वहाँ, इसलिए फ्री है, दारू भी फ्री है, और क्या और क्या चाहिए? क्या चाहिए? हर चार रास्ते पे गुटखा मिल रहा है, पान मिसाल आज के कांग्रेस जमाने में सिर्फ पान मिलता था, आज पान लो मसाला रोल दिल बहाल लो राजश्री लो राज दरबार लो और छटपट ले लो, सिल्वर आ रहा है, और दूसरा क्या चाहिए भैया? ऐसे सब जनता मर जाएगी। वो आपसे बताया ना, जब बुराई पर अच्छाई पर बुराई की पैमाना अधिक हो जाता है तो खुद समाप्त हो जाता है। भारत माता की। ये बताइए गुजरात में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की ही आएगी, उसमें तो कोई माथा कुटी करने की सवाल है नहीं। अच्छा। हाँ, और केजरीवाल का बात सोचना ही व्यर्थ है। व्यर्थ है और क्या है? हम गेहूँ पैदा करेंगे और तू फ्री में देगा? कैसे देगा फ्री में? कैसे फ्री में देगा? दारू बंद हो जाए देश चल जाएगा, शहर बंद हो गया देश चल जाएगा, किसान बंद हो जाएगा ये शहर एक दिन में रुक जाएगा। अच्छा। किसान गेहूं पैदा करेगा, दूध लगाएगा, बच्चों की तरह भैंसों को पालना पड़ता है गायों को, और तू दूध फ्री में देगा? भारत माता कैसे देगा फ्री में? कहां से पैसा लाएगा बताओ ना हमको, तुम ये यहां से पैसा लाओगे? वो तो बोले बिजली 300 यूनिट फ्री है, बिजली आएगी नहीं फ्री दे देंगे। कैसे आएगी? कोलसा पूरे देश में नहीं है, कहां से फ्री देंगे? कैसे देंगे फ्री बताओ? वो बोले दिल्ली में दे रहा हूं यहां भी दे दूंगा मैं। दिए हैं अपने आप लोग करके, दिल्ली वाले खुद ही मर रहे हैं यार। जब वो छठ पूजा के लिए 50,000 दंड लगा दिया, बताओ तुम दिल्ली यमुना किस बेजिस पर आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं? मेरा मगज खराब मत करो। हाँ, केजरीवाल की बात ही करना सोचना, अगर उसका मुंह देख लो दिल में पानी नहीं मिलेगा। हाँ, उसका मुंह ही देखो राक्षस जैसा है। भारत माता की। धन्यवाद, थैंक यू। नाम क्या सर आपका? राम शंकर सिंह। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने वाला है? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा और झाड़ू 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 ही मारते रहेंगे, झाड़ू झाड़ू मारते रहेंगे, बस वो झाड़ू ही मारते रहेंगे रोड पे। और राहुल गांधी जी? उनका तो क्लास से नहीं आता है। केजरीवाल तो कह रहे मैं जनता का लाडला हूँ, बहुमत से आ रहा हूँ। जमानत जब्त हो जाएगी, बहुमत नहीं आएगी। जमानत जब्त हो जाएगी, बहुमत तो बहुत दूर है। वो तो हर दूसरे दिन गुजरात में आ रहे हैं, खाली देखते रहो। बीजेपी के अलावा यहाँ गुजरात में कोई नहीं आने वाला है। क्या क्या काम किए हैं बीजेपी ने? बहुत कुछ किए हैं, देश को तरक्की तो किए हैं। क्योंकि अभी जैसे कांग्रेस करे 10 लाख हम नौकरी देंगे, कहाँ से लाख देंगे? अपने घर से देंगे? अभी तक तो नहीं दिए थे, अब कहाँ से देंगे? 500 रुपये में सिलेंडर कहाँ से देंगे? ऑल इंडिया में एक आध पूरी वर्ल्ड में कहीं मिल रहा है?
वो तो बोले 10 लाख नौकरी देंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये 10 लाख का और 10 हजार नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री को लगातार गालियां दी जा रही है, चाहे गोपाल इटालिया नीच कह रहे हैं और जो अभी कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि गुजराती अब औकात दिखा देंगे प्रधानमंत्री को उनकी। तो नीच कहने वाले खुद ही है, क्या बोलेंगे? जब कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने ऊपर ही आता है ना। अच्छा। वैसे वो जो है उसको दूसरा नीचे ही दिखता है। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं गुजराती? केजरीवाल कुछ नहीं है, जीरो जीरो। ठीक ठीक, धन्यवाद। कौन बोल रहे थे? केजरीवाल के।